हेलो दोस्तों, शड़ी मूड में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये 1992 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 38वीं बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, मिस प्रीलिम्स की एग्ज़ाम, वहाँ से मैं संविधान का क्वेश्चन करा रहा हूँ और अलग अलग सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जैसे संविधान का अलग क्वेश्चन, ज्योग्राफी का अलग क्वेश्चन और सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम 66वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए या जो भी बीपीएससी में प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उसमें सहायक होगा, बिहार दरोगा मेंस के लिए, बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए, तो जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम बिहार में होते हैं उसके लिए बहुत ही सहायक होता है। तो सभी स्टूडेंट्स से मुझे आग्रह होगा मेरा कि ये आप सभी क्वेश्चन लगाइए और कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दीजिएगा, क्वेश्चन के साथ मैं थ्योरी भी आपको कराने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये देखना है कौन सा कथन असत्य है, सत्य असत्य देखना है यहाँ पर। तो इनकी योग्यता जो है 35 वर्ष आयु कम से कम चाहिए, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। तो ए बी और डी सही है, सी गलत है। तो यही पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भारत के लोकसभा के सभी सदस्य, जिसमें मनोनीत सदस्य भी रहते हैं दो जो एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा के सभी सदस्य जो कि मनोनीत सदस्य भी 12 जो होते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो भी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से रखने वाली बात यह है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल 63 में बताया गया है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जब अभी वेंकैया नायडू जी हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपको डायरेक्ट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। जैसे मान लीजिए निर्णायक मत क्या कहलाता है, उधर से भी 50%, इधर से भी 50% आ गया, दोनों आगे तरफ बराबर हो गया, तो यहाँ पर सभापति क्या कर सकता है, अपना वोट देकर निर्णय कर सकता है कि कौन जीत, किसकी किधर पक्ष की तरफ यह फैसला जाता है, यह निर्णायक मत कहलाता है। फिर यहाँ पर योग्यता देख लीजिए, इनकी योग्यता है तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जाना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, यहाँ पर देखिए राज्यसभा का सदस्य, और निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लोभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर कोई भी नहीं होना चाहिए निर्वाचन के समय, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति के जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, या उनके द्वारा जो नियुक्त कोई भी पदाधिकारी होते हैं वो दिलाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, या व्यक्ति भी बोल सकते हैं जो नियुक्त करे जो वो शपथ दिला सकते हैं, या खुद ही राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो काम करता है राष्ट्रपति के लिए काम, इसकी अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति उसके जगह पर काम करता है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काम करता है उसके जगह पर, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठम न्यायाधीश होते हैं वो काम करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आता है कि जो काम करेगा उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति की जगह पर काम करेगा तो वैसा ही उस हकदार भी होगा, वेतन का हर सुविधा उसको वैसा ही मिलता है जैसा कि राष्ट्रपति को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकतम 6 महीना तक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, इससे अगर ज़्यादा होता है तो जल्द से जल्द भरवाना है, इसके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम 6 महीने तक होती है, कि 6 महीना के बाद ही उसका हो जाता है तो 6 महीने तक ही होगा, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर दे सकता है। यहाँ पर देखिए, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये डॉक्टर ए राधाकृष्णन थे, जो कि 1952 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल था। यहाँ पर याद रखिएगा, अभी जो है वेंकैया नायडू जी हैं हमारे उपराष्ट्रपति, या बोल सकते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर आप कुछ भी संशोधन चाहते हैं इसमें और कुछ भी मैं डिटेल जोड़ूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है, ये आपको बताना है। कोई भी विधेयक अगर लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो यहाँ पर 14 दिन तक रोक सकती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है बीपीएससी प्रीलिम्स में, यहाँ तो वित्त विधेयक दे सकता है, यहाँ धन विधेयक दे सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, या तो वित्त विधेयक या धन विधेयक, ये दोनों में शक्ति लोकसभा को ज़्यादा दिया गया है। लोकसभा क्या कर सकता है कि राज्यसभा का बात मान भी सकता है कि इसमें कुछ संशोधन कर दे, या राज्यसभा का ना भी बात मान सकता है, और राज्यसभा पास मतलब लिमिटेड शक्ति है, वो 14 दिन तक मात्र रोक सकता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं रोक सकता, 14 दिन से ज़्यादा रोकता है तो खुद ही पास माना जाता है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, जो भारतीय संविधान में इसमें संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है, ये लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है ये आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है,
और ये लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। सबसे पहले कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है आपको संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, तीसरे के आंसर सी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं संविधान संशोधन होता कैसे है। यहाँ पर देखिए, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में संविधान प्रक्रिया के संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि तीन विधियों के द्वारा अपनाया गया है कि संशोधन आप कर सकते हैं। साधारण विधि द्वारा, साधारण विधि द्वारा जो होता है, संसद साधारण बहुमत पारित कर विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र की सीमा घटाना बढ़ाना या सीमा नाम, ये सब बदलाव, और संविधान में जो नागरिकता वाला संशोधन है वो यहाँ से किया जा सकता है साधारण बहुमत से। अब यहाँ पर देखिए, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन जो किया जाता है, ये जो किया जाता है यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों की बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2:2 विधेयक अगर पारित कर देते हैं तो ये विशेष बहुमत कहलाता है, और विशेष बहुमत द्वारा ये संविधान संशोधन होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कुछ आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट कि संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, जैसे कि अभी GST संशोधन हुआ था, ठीक, ये क्या कहलाता है। इसमें देखा जाता है कि स्टेट और जो स्टेट पर भी इफेक्ट पड़ रहा है उस संशोधन का, और सेंटर पर पड़ रहा है तो पड़ ही रहा है, तो उसमें हाफ स्टेट जो 50% से ऊपर स्टेट का स्वीकृति भी चाहिए ऐसे संविधान संशोधन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्य के कुछ विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय आपको होते हैं, ठीक, जैसे कि GST आप मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संविधान में संशोधन के विधेयक आपको कोई भी, इसके लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, कोई भी सदन में आ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उसका क्षेत्राधिकार है, ये पूछ रहा है, के लिए है, ठीक। तो ये आपको बताना है, ये उस समय का क्वेश्चन है कि 1992 में जो हुआ था 38वीं BPSC आपका, ये आपको गुवाहाटी का हो जाएगा, असम में जो स्थित है गुवाहाटी, उसका क्षेत्राधिकार बहुत राज्यों में अभी है। यहाँ पर आप 4 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप क्षेत्राधिकार यहाँ दे भी सकते हैं, उच्च न्यायालय के अधिकारिता और स्थान, और उच्च न्यायालय जो है, सबसे पहले कोलकाता को हम लोग देख लेते हैं। कोलकाता जो है ये सबसे पुराना में तीन जो उच्च न्यायालय है, ये कोलकाता 1862 में स्थापना हुआ था इसका, और इसका है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पश्चिम बंगाल पड़ता है और यहाँ पर देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, तो इसी की अधिकारिता क्षेत्र में आ जाता है, ठीक। ये कोलकाता में स्थित है जो पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय है। फिर आता है मुंबई उच्च न्यायालय, इसका भी स्थापना 1862 में हुआ था। इसका जो है महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर नगर हवेली है और दमन द्वीप है। मीन्स की महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में यहाँ है, और यहाँ पर जो भी स्थित केंद्र शासित प्रदेश, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये, और गोवा एक सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, इसका भी यहीं पर है अधिकारिका क्षेत्र, जो कि इसका मूल स्थान है, ठीक है, मुंबई में स्थित है बम्बई उच्च न्यायालय का। फिर आता है मद्रास, ठीक, यहाँ पर चेन्नई मद्रास आप याद होना चाहिए, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर यह भी 1862 में स्थापना हुआ था, और इसका अधिकारिता क्षेत्र भी तमिलनाडु और पांडुचेरी है। पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में, और ये 4 जगह पर पड़ता है, ये पांडुचेरी और तमिलनाडु जो है, इसका जो अधिकारिता क्षेत्र आता है ये आता है किसके अंतर्गत, तो मद्रास उच्च न्यायालय, या इसका जो मूल स्थान है चेन्नई में है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्वेश्चन ये BPSC में बना था कि कौन से उच्च न्यायालय में सबसे अधिक, मीन्स की यहाँ पर जो उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय होता है उसमें अधिक आपको जो उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थित है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब क्यों न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, आप खुद ही इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये सबसे अधिक जो जनसंख्या है राज्य का, उत्तर प्रदेश का है, वहीं पर स्थित है, और ये इलाहाबाद का जो मूल स्थान है ये इलाहाबाद में ही स्थित है, जिसे प्रयागराज अभी नाम है, ठीक। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा सबसे अधिक, इसलिए मैं इसको ले लिया। इसका स्थापना 1866 में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो गुवाहाटी, अब जिसका आंसर जो था गुवाहाटी उच्च न्यायालय वो आ जाता है, यहाँ पर असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, देख सकते हैं कि 4 राज्यों का इसका क्षेत्राधिकार है, इसलिए इसका सबसे बड़ा है। तो मूल स्थान क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है, तो असम में गुवाहाटी में स्थित है, ये बात को याद रखिएगा। और साथ में केरल भी याद रखिए, क्योंकि जो भी मैं इफेक्ट करा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। तो केरल और लक्षद्वीप, यहाँ पर केरल है और यहाँ पर स्थित है एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप, तो दोनों का एक ही है, और इसका एर्नाकुलम में स्थित है ये केरल उच्च न्यायालय, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बताया था गुवाहाटी, यहाँ पर देख सकते हैं एक से अधिक, तो यहाँ पर गुवाहाटी हो जाएगा। तो
जो भी फैक्ट होता है ज़रूरी है वही करा रहा हूँ, और खासकर कुछ फैक्ट को मैं नहीं करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तक जितना भी बीपीएससी हुआ है सब क्वेश्चन बन चुका है, तो आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो डायरेक्ट फैक्ट से वो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप उस समय क्वेश्चन हुआ जिसकी आसानी से कर लेंगे, तो थोड़ा आपको आसानी नहीं होना चाहिए, इसकी थोड़ा लगना चाहिए कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ये अभी तक 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि अगर भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का अगर विवाद होता है चुनाव से संबंधित तो वो कहाँ जा सकता है, तो वो जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 के आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, इसे ही सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं होते हैं। इसकी अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो क्या वो पिछले कार्य जो किए हैं वो भी अवैध होगा? जी नहीं, वो अवैध घोषित नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बना सकता है स्टेटमेंट बेस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। यहाँ पर देखिए, अब राष्ट्रपति पर अधिकार नहीं देता है भारतीय संविधान, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार क्या नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो यही नहीं देता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, और देश के सभी विभागों में आपातकाल की स्थिति लागू करने का अधिकार इन्हीं के पास है, जो कि 3 प्रकार के आपातकाल लागू किया जा सकते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, जो कि अभी तक 3 बार हुआ है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जो कि अलग अलग राज्यों में बहुत बार हुआ है, बिहार में 8 बार हुआ है। आर्टिकल 360 के तहत आपको वित्तीय आपात, जो कि अभी तक 1 भी बार लागू नहीं हुआ है, अभी इस पर बात चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अब किसको किसको नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ जिनके जिनके नियुक्ति करते हैं। मूलतः यहाँ पर देख सकते हैं भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर जो अन्य मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उनको, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को। ठीक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा। राज्य के राज्यपाल को, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को, भारत के महान्यायवादी को, राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य को, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों को, यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा, वित्त आयोग के सदस्य को, भाषा आयोग के सदस्य को, पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्य को, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य को, भारत के जो राजपूत नहीं होगा, यहाँ राजदूत होगा, माफ कीजिएगा, राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों को, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सभी सदस्यों को। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतना ये नियुक्ति करते हैं, और भी 1-2 नियुक्ति करते हैं जो कि मैं अब कभी बताऊंगा तो उसमें जोड़ दूंगा, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है, जो भारतीय संविधान बना ये 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक, तो ये जो लागू हो गया था उसके बाद इसका 1 साल बाद ही इसमें संशोधन किया गया था। ये कब? तो 1951। आंसर यही होगा, 1951। ठीक, बीपीएससी ने माना है। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसमें किया क्या गया था? यहाँ पर आप देख सकते हैं, संशोधन कर क्या किया गया था। तो इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था क्योंकि जब संविधान लागू था तो उस समय मात्र 8 ही अनुसूचियाँ थी। ठीक, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुरालोकन शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। जो 9वीं अनुसूची में विषय डाल दिया जाता है उसमें न्यायिक पुरालोकन का नहीं, शक्ति के अंतर्गत मीन्स की जो न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुरालोकन नहीं कर सकता, इसलिए उसी अनुसूची में डाल दिया जाता था। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। अब मुख्य संशोधन इस समय जो है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, 101 जो संविधान संशोधन किया गया था ये वस्तु और सेवा कर के लिए किया गया था, जिसे हम लोग GST बोलते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। 102 संविधान संशोधन जो किया गया है ये OBC जो आयोग है उसको संविधानिक दर्जा देने के लिए किया गया है। ठीक, 103 जो संविधान संशोधन किया गया है ये EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग हैं 10% आरक्षण के लिए ये किया गया है प्रावधान। और 104 संविधान संशोधन है इसमें SC ST के जो आरक्षण 10 साल फिर बढ़ा दिए गए हैं, ये आपको किया गया है। 104 संविधान संशोधन जो मुख्य है आपको याद रखना ये चारों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का एक बनने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब बात रहा इसका PDF का, तो PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और आज से बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी, हर तैयारी दरोगा से लेकर बिहार पुलिस से लेकर BPSC तक, तो मन लगाकर बस आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो इससे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए 35वें संविधान संशोधन है इसका आंसर होगा, क्योंकि BPSC ये माना है। अब एक राज्य बनाया गया था, इस पर बड़ा जोर दिए, क्यों दिए, तो आगे चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा 8 के आंसर सी हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 35वां संविधान संशोधन क्या कहता है 1974 में, इसके अंतर्गत सिक्किम को ऐसा संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबंध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। संरक्षित राज्य नहीं, अब यह संबंध राज्य हो गया था 35वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर 36वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया, का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक, तो ये जरूर याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंट दे सकता है, क्योंकि अब अगर यूपीएससी के एग्जाम देते होंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट में जस्ट यही क्वेश्चन डाला था और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता क्या है, ये आपको बताना है कि उसमें कितने न्यायाधीश हैं। और ये क्वेश्चन उस समय का था, लेकिन ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन में 24 दिए थे, 20 दिए थे, 18 दिए थे, 9 दिए थे, जबकि ऑप्शन में यहाँ 25 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है कि स्वीकृति क्षमता क्या है, या 26 ऑप्शन में होना चाहिए था, क्योंकि अगर मुख्य न्यायाधीश हटा दिया जाए तो 25 थे, अगर मुख्य न्यायाधीश जोड़ दिया जाए तो 26 हो जाते थे, क्योंकि उस समय के जो हम बता रहे हैं। अब आगे मैं कराऊंगा इसका आंसर, ऐसे आप देखिएगा तो यही माना गया है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं इसका अभी देख लीजिए, क्योंकि उस समय तो क्वेश्चन हम पूछेगा नहीं, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है या पहला बोल सकता है कि पहले कितने थे। यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है आर्टिकल 124 में दिया हुआ है, आर्टिकल 124 नहीं भूलना है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अभी का मैं बात बता रहा हूँ, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, ये दिमाग में एकदम डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश में, यहाँ पर देखिए मुख्य न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ 8 न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। मिस की जब शुरुआत में उच्चतम न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें आपको मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिए तो पूछ सकता है शुरुआत में कितने थे। बाद में काम बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 में उच्चतम न्यायालय यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय अधिनियम संशोधन, इसी के द्वारा उच्चतम न्यायालय अधिनियम संशोधन द्वारा ही बार बार इस संख्या बढ़ाया जाता है, कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं जोड़ा जा रहा है, इस बात को नहीं, मुख्य न्यायाधीश इसमें जोड़ा जा रहा है क्योंकि 10 किया गया था, 11 यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश भी जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा 10 न्यायाधीश और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश जोड़ कर ये 11 हो गया था, तब 1956 में। फिर उसके बाद 1960 में यह क्या हो गया था, 14 हो गया था, 13 न्यायाधीश और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। फिर 1978 में 18 किया गया, इसके 17 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। फिर 1986 में 26 हो गया, इसके 25 न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश, ठीक, इसके मुख्य न्यायाधीश। और केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने के फैसला किया। ये 2008 में किया गया, जिसमें क्या किया गया, सिर्फ 25 जो थे, 25 नहीं 26 मान लीजिए, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हटा दिया गया। यहाँ पर देखिए मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त यहाँ दे रहा है, एक मुख्य न्यायाधीश के जो अतिरिक्त 25 थे उसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया, और यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश जोड़ लेते हैं तो 31 हो जाता है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात को। तो यहाँ पर अभी 2008 में किया गया था 31, और अभी 2019 में क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया है बढ़ाकर 34, अभी 34 है मुख्य न्यायाधीश के। तो अलग अलग जो भी एग्जाम होंगे यहाँ पर आएगा मुख्य न्यायाधीश लेकर 34, अगर मुख्य न्यायाधीश हटा देता है तो 33। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु जो सीमा है ये 65 वर्ष है। अभी बोमड़े साहब 47वें मुख्य न्यायाधीश है, इससे पहले रंजन गोगोई 46वें थे, इससे पहले उससे भी पहले दीपक मिश्रा 45वें थे, ये आपको याद करना है। अब यहाँ पर देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। जो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक में, इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पहुंचाना और जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, इसका क्या था, पंचायती राज व्यवस्था को जो बनाना था, पंचायती राज व्यवस्था गठित करना था भारत में, तो ये पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये बलवंत राय मेहता थे। और बलवंत राय मेहता समिति जो थी ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन करने के लिए बोला गया था। और इसके बाद कौन आया था, तो अशोक मेहता समिति जो आया था वो दो स्तरीय कहा था। तो आगे देख लेते इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है ये यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक, जो भी फैक्ट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पंचायती राज से छूटेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसी समय दो पंचायती राज से क्वेश्चन आए हुए हैं, 1992 में ही और 30वें बीपीएससी में ही दो पंचायती राज से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन को, संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्नेकाटा का हैसियत रखता है। स्थानीय स्वशासन के लिए ये लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं, जो कि 1882 में जो उनका संकल्प था वहीं आपको स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्नेकाटा कहलाता है। ठीक, रिपन को भारतीय, यहाँ पर देखिए रिपन को भारतीय, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। मिस रिपन जो है लॉर्ड रिपन, भारत में स्थानीय जो स्वशासन है उसको पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल, यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य
विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी को सुनिश्चित करना, ये याद रखिएगा, जनभागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाना, ये यहाँ पर ये डायरेक्ट बना सकता है स्टेटमेंट बॉक्स क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में, लेकिन पूर्णता पूरे राज्य में कहाँ हुआ था, ये हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया, तो पूरे राज्य में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, अगर पूरे पहले बोले तो ये राजस्थान के नागौर जिला हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो जिला में किया गया था इसलिए वो पहले किया गया था इसलिए पहले नाम आता है, अगर पूरे राज्य दे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन नियत रखते 5 वर्ष की होगी, इसकी 5 वर्ष का होता है पंचायत, जो भी होता है उनका कार्यकाल होता है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो 6 महीना के अंदर क्या करना है, आपको चुनाव करना है। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी में बना था कि जो पंचायत का ये है विषय, ये किसका विषय है, पंचायती व्यवस्था जो विषय है ये किसका है, तो यह है राज्य सरकार का, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किंतु यहाँ पर देखिए, ये आपको कराया जाता है, लेकिन अगर अब मान लीजिए कि 6 महीना मात्र बचा ही है, 6 महीना से कम बचा है और पंचायत विघटित हो जाता है, मान लीजिए 4 साल और 8 महीना समय पूरा हो चुका है, अब 4 महीना बचा हुआ है, तो क्या चुनाव कराया जाएगा, जी नहीं, चुनाव नहीं कराया जाएगा, यही ये दिया हुआ है, जब 6 महीना से ज़्यादा बचा रहा था इसलिए चुनाव कराया जाता है। यहाँ पर देखिए, के अनुसार पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, 21 वर्ष चाहिए, बार बार बताता हूँ, पंचायत बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए, वोट डालने के लिए 18 वर्ष चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए, विधान और फिर राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। यहाँ पर याद रखिएगा, न्यूनतम आयु मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, तो ये याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और एक भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से लेकर ड़ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, ठीक, और इसके लिए एक अलग अनुसूची बनाया गया था, 11वीं अनुसूची बनाया गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बाकी ये दिया हुआ है कि जो 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था और उसका सुझाव के दिए थे, कौन से गठित समिति दिया था, तो एलएम सिंघवी समिति ने दिया था, ठीक, ये याद रखिएगा। वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये नागालैंड मेघालय और मिजोरम में राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है, नागालैंड मेघालय और मिजोरम छोड़कर सभी राज्यों में लागू है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू है पंचायती राज व्यवस्था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से ही है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, सरकार की जो पंचायती राज प्रणाली है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है 11 का, ये आपको बताइए, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लगा देंगे। यहाँ इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है, इसका लक्ष्य गाँव और समाज के आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी भी आंसर डी ही माना है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपने कितना क्वेश्चन सही किया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और ये जो क्वेश्चन था ये आपको प्रीवियस ईयर 38वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था, और ये जो पूछा गया था 1992 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन था। अगर कुछ सुधार आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, लगभग 20 पेपर, तो आपको अगर मिला लिया जाए तो कम से कम 300 क्वेश्चन आपको संविधान से आने वाला है, आने वाले समय में 300 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, और ऐसे ही इतिहास भूगोल और भी सब्जेक्ट से कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।